हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? भाई आप सब अच्छे हो गए फ्रेंड्स। ये मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर 1 स्पून एंड 1 स्पून लिया है मैंने इसमें ओट्स। ओट्स को मैंने बारीक पीस लिया और पीस के मैंने इसका आटा, फाइन आटा बना लिया है। उसके बाद में हम इसके अंदर ऐड करेंगे दूध। ये मैंने कच्चा दूध लिया है, इसको आप इसके अंदर मिक्स करो और मिक्स करके आप इसको एक पेस्ट सा तैयार कर लो। तो अगर मैं ओट्स की बात करूँ तो इसको जई का आटा बोलते हैं और ये खाने के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। डायबिटीज़ को, हाई ब्लड प्रेशर को भी ठीक करता है। और अगर मैं इसके फेस पे अगर इसको बात करूँ लगाने की, तो ये काफ़ी फ़ायदा देता है हमारी स्किन पे। धूप, धूल और धुएँ से जो हमारी स्किन डेड हो जाती है, हमारी स्किन पे जो नुकसान होता है उसको रिपेयर करने में काफ़ी हेल्प करता है। दूध है, ये हमारी स्किन को स्मूथनेस देता है। इसमें काफ़ी सारे विटामिन होते हैं, ये त्वचा को चमकाता है और मॉइस्चराइज भी करता है और सॉफ्ट भी करता है डेड स्किन को, स्किन को। इसमें प्रोटीन, विटामिन होता है। तो इसको हमने सिंपल तरीके से, वही तरीका हमारा लगाने का, पहले अपने फेस को क्लीन करो, फिर उसके बाद में आप इसको स्क्रब को अच्छे से अपने पूरे फेस पे, हाथ पे अप्लाई करो। अप्लाई करके आप उसकी 2-3 मिनट तक मसाज करो। मसाज करने के बाद में आप इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दो और जब ये ड्राई होगा तो आप इसको हल्के से हाथ से इसको रिमूव कर दो और ठंडे पानी से आप इसको अपना फेस वॉश कर लो। आप देखोगे कि अगर आप हफ्ते में 2 डे भी आप इसको यूज़ करोगे तो आपके फेस पे धीरे धीरे डेड स्किन वगैरह सब रिमूव हो जाएगी और एक अलग से शाइन होती चली जाएगी। तो फिर ये काफ़ी अच्छी रेमेडी है, होम रेमेडी में ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग माई।